बहुत बड़ी बात है नेशनल पे आकर गेम खेलना। बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थ्री इयर्स दे आर प्रैक्टिसिंग विद मी। हेलो एवरीवन, आज हम बेसिकली डीएवी यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और यहाँ पर डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट चल रहा है। सो हम अंदर जाएंगे जहाँ पर ये टूर्नामेंट चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स से बात करेंगे, जानेंगे कि वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, क्या क्या उनकी अभी तक अचीवमेंट्स रही हैं और कौन से मेडल्स जीते हैं वो। ओके, तो बेसिकली आप कहाँ से हो एंड कौन से स्पोर्ट्स के लिए आए हो? मैं हरियाणा से हूँ और मैं वुशु के लिए आई हूँ जो किक बॉक्सिंग होता है। ओके, एंड अभी तक बिगेस्ट अचीवमेंट इस में क्या रहा है आपका? इसमें स्पोर्ट्स में यहीं पे मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट है कि मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लिया है वुशु में। ओके, एंड आप कौन से स्पोर्ट्स के लिए आए हो? सेम हरियाणा? हाँ, हरियाणा चेस के लिए आई हूँ। मेरा मतलब फर्स्ट टाइम नेशनल है, डीएवी नेशनल। अचीवमेंट तो यही है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना खेलने के बाद, वो बहुत अच्छा फील होता है उससे। आप कहाँ से और कौन सा स्पोर्ट्स है? मैं हरियाणा से और मेरा भी चेस है, हमारी टीम है। और बिगेस्ट अचीवमेंट यही जो इस साल में जो खेला है उसमें जो जीता है वो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। ओके, तो बेसिकली कौन सी स्टेट से आए हो एंड कौन सा स्पोर्ट्स खेल? मैं उड़ीसा से आई हूँ कराटे करने। और अभी तक बिगेस्ट अचीवमेंट कराटे में कौन सा रहा आपके लिए? मेरे लिए नेशनल्स में ब्रोंज जीता। ओके, कांग्रेचुलेशंस। एंड आप कौन सी स्टेट से हो एंड फेवरेट स्पोर्ट्स? फेवरेट छत्तीसगढ़ से हूँ वॉलीबॉल के लिए। और बिगेस्ट अचीवमेंट कौन सा रहा वॉलीबॉल में आज तक? कि नेशनल्स तक पहुँच गई। ओके, ग्रेट। आप? मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, द सुपर्ब स्टेट, क्लास 10th में, और मैं टाइकांडो में हूँ। अच्छा, एंड कौन सी एज से टाइकांडो सीखना शुरू कर दिया था आपने? मैंने क्लास 7th से कर दिया था। अच्छा, ओके, ग्रेट, थैंक यू। आप कौन सी स्टेट से हो? छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं बॉक्सिंग करती हूँ। और बिगेस्ट अचीवमेंट बॉक्सिंग में? मैं नेशनल तक पहुँच गई, वही बहुत है। और अच्छा, अगले साल मेडल के लिए ट्राई करेंगे। ओके, इस साल नहीं आए। पक्का पक्का। एंड आप? मैं टाइकोंडो, वैसे मैं तो जी। और कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में। और टाइकोंडो कब से खेलना शुरू कर दिया? अभी यही 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हो गए, अरे क्या बात है। चलो, इधर बहुत सारे टीम्स आई हैं अलग अलग स्टेट से स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करने, तो हमें एक कोच मिले जो अपनी एक टीम को लेकर आए, छत्तीसगढ़ से आए हैं सर। तो हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कैसे ट्रेनिंग दी नेशनल्स के लिए और अभी इनको कैसा फील हो रहा है, कैसा इनके प्लेयर्स ने खेला है। तो सर, कैसा फील हो रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ केपी शाजू, आई बिलोंग्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। एंड ये जो बच्चे आए हैं, दे आर फ्रॉम वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक बॉक्सिंग, ताइकंडो, कराटे एंड ऑल। एंड सिंस 3 years दे आर प्रैक्टिसिंग विद मी, दे वर्कड लॉट ऑफ आवर्स, दैट इज 3 to 6 hours समटाइम्स when it was the peak time of the sports, and they have performed well, but they could not get the medals. So coming year, they surely they will be getting some medals. And and rest of the events they enjoyed, and now they are going for a trip, and rest is fine. तो अभी मैं देखती रही हूँ आप दोनों ने गोल्ड मेडल पहना है, मतलब जीत तो आप गए हो अपना कॉम्पिटिशन, है ना, जो भी स्पोर्ट्स का इवेंट था। तो कौन सी स्टेट से और कौन सी क्लास में हो? प्लस 1 में पंजाब से, प्लस 2 पंजाब से। एंड टाइकोंडो के लिए हो? हाँ जी। एंड कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला एंड हमने अचीव भी किया, अच्छा लगा। अच्छा।